एवरी वन वेलकम टू करण ग्रंथ तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर थर्ड पेपर बी का ठीक है तो ये नितिन सांगवान सर की लेटेस्ट एडिशन की बुक है लेटेस्ट एडिशन इसका अगर आपको पी डी एफ चाहिए तो आपको उसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पेस्ट कर दूंगी तो वहाँ पर मैं चैप्टर वाइज पी डी एफ अपलोड करती हूँ जैसे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का पी डी एफ आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा जैसे ही कल मोस्ट प्रोबेबली हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कल आपको वहां पे थर्ड चैप्टर का पीडीएफ भी जो है वो मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एज ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन रीच आउट टू मी दिस इज माई ई मेल मुझे काफी मेल्स आते हैं आप लोगों ने कुछ आंसर्स भी भेजे हैं आई एल रिवर्ट बैक ठीक है आई एल रिवर्ट टू यू गाइज तो आप बस थोड़ा सा वेट करें दिस इज़ माई ई मेल आई डी करण क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर थर्टीन विच इज़ योर बी पेपर का थर्ड चैप्टर रूरल एंड अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर तो नाम से क्लियर होगा इसमें हम रूरल एरिया दैट मीन्स विलेजेस की बात करने वाले हैं तो इसमें इंडियन विलेज उसको लेके डिफरेंट स्टडीज़ क्या हुई हैं कौन से रिफॉर्म्स लाए गए गए पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे एक सेकेंड पहले मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लूँ ताकि आपको ये पूरा विजिबल हो वेन यू टॉक अबाउट रूरल इंडिया जो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो अग्रेरियन सोसाइटी आती है देखो इंडिया जो है ये मेजरली एक अग्रेरियन सोसाइटी ही है अभी भी इसको अग्रेरियन सोसाइटी ही कहा जाता है दैट इज य सोसाइटी जिसमें मेजर काम जो किससे रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर से ठीक है बट जो रूरल सोशल स्ट्रक्चर है इज मोर जस्ट देन अग्रेरियन रिलेशन अब हम यहाँ पे सिर्फ अग्रेरियन की बात नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं इंडिया के रूरल सोशल स्ट्रक्चर की बात दैट मीन जो विलेजेस का सोशल स्ट्रक्चर है तो उसमें हमें काफी सोशल इंस्टीट्यूशन मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर वो क्या है कास्ट क्लास किनशिप्स रिलीजन एट्सट्रा और इनका आपस में पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप्स ियन सोशल स्ट्रक्चर जब हम बोलते हैं तो इसमें कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं जो रिलेटेड होते हैं आपके लैंड एंड एग्रीकल्चर के साथ ठीक है जब रूरल सोशल स्ट्रक्चर है ये एक स्टैटिक एंटिटी नहीं है ऑल्दो ये व्यू जनरेट करने की कोशिश की थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने क्योंकि उन्होंने भी स्टडी किया था उनको इंडिया से रेवेन्यू चाहिए था ठीक है तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उनको क्या था लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लेके आनी थी तो उनको विलेजेस के बारे में कुछ स्टडीज करना काफी इंपॉर्टेंट था कल्चरल परस्पेक्टिव से भी इकोनॉमिक परसपेक्टिव से भी तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक व्यू जनरेट करने की कि की की इंडिया क्या है स्टैटिक है आइसोलेटेड है सेल्फ सफिशिएंट है एंड आपकी ऑर्थोडॉक्स है लेकिन विद टाइम इसमें क्या हुआ मॉडिफिकेशन आई इसमें एडिशन हो गए इस रिसर्च में ठीक है और उनके जो व्यू पॉइंट जनरेट करने की उनकी कोशिश थी इंडिया की कि एज अ स्टेटिक एंटिटी उसको निगेट किया गया पेस ऑफ चेंज जो है इंडियन विलेजेस की वो इंक्रीज हुई है इंडिपेंडेंस के बाद क्योंकि काफी लैंड रिफॉर्म्स लाए गए लेजिस्लेशन लाए गए पंचायती राज ठीक है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाला सारा ये आ गया विलेजेस को लेकर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स उसमें विलेज एक सेंट्रल कंसर्न बन गया डेवलपमेंटल प्रोग्राम जैसे आपके सी डी पी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह एंड अग्रेरियन मूवमेंट्स तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो चेंज थी इंडियन विलेजेस में वो काफ़ी ज्यादा इंक्रीज हो गई पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में तो आइडिया ऑफ इंडियन विलेज हम देखते हैं पहले हम इंडियन विलेज के बारे में थोड़ी बात करें इंडियन विलेज जो है इंडिया को हिस्टोरिकली बोला जाता है लैंड ऑफ विलेजेस क्योंकि अभी भी जो मेजोरिटी परसेंट ऑफ इंडियंस है वो कहाँ रहते हैं विलेजेस में और कॉलोनियल पीरियड में भी नाइन्टी परसेंट जो थे इंडियन दे लिव्ड इन विलेजेस तो विलेज जब हम विलेज बोलते हैं ये सिर्फ एक स्पेशल यूनिट नहीं है दैट मीन सिर्फ एक एरिया नहीं है आपका जियोग्राफिकल एरिया ये क्या है ये आपको एक झलक देता है इंडियन सोसाइटी की इट इज़ एन इंडियन सोसाइटी इन मिनिएचर दैट इज योर माइक्रोकॉजम ऑफ इंडियन सोसाइटी भी इसको बोल सकते हैं कि आपको विलेज से पता चलता है वो रिफ्लेक्ट करती है इंडिया के जो विजेज हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी इंडियन सोसाइटी कैसी है इसी के रिगार्डिंग ऑनरे बेटे जो थे इन्होंने कहा था विलेज वॉज नॉट मेयरली अ प्लेस जहाँ पे लोग रहते थे इसका एक डिजाइन था जो रिफ्लेक्ट करता था बेसिक वैल्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी तो इसमें हम जो जो थिंकर्स पढ़ेंगे वो वो थिंकर्स आपको याद रखने की विलेज में आपने कौन कौन से नाम पढ़े हैं सिंस ए टाइम्स अटैम्प्ट हुए थे अंडरस्टैंड करने के लिए इंडियन विलेजेस को जो आइडिया ऑफ इंडियन विजेस था प्री ब्रिटिश पीरियड में वो इंडोलॉजिकल सोर्स से ड्रॉ किया गया था इंडोलॉजिकल कौन सा व्यू हो गया आपका बुक व्यू दैट मीन जो लिटरेचर और टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी इंडियन सोसाइटी की ठीक है और लिटरीरी वर्क जो थे उस टाइम के डॉक्यूमेंट्स वर्क्स है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स थे ठीक है आर्लॉजिकल एविडेंस कुछ इन सब चीज़ों से एक हिस्टोरिकल व्यू लेने की कोशिश की थी इवन ट्रेवलॉग्स रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वगैरह यह हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है इन डिटेल जनरली जो विजेस हैं दे आर

वो आ, काफी टाइम पहले मैंने बनाया था टीएचएसओ करके ठीक है वो वीडियो आप उसमें देख सकते हैं इसमें मैंने टीएचएसओ को डिटेल में बताया है ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था तो क्या था इंडियन विलेजेस के बारे में कैसे इसको समझ सकते समझते थे हम यूनिटी एंड रेसिप्रोसिटी थी दैट मीन्स लोग यूनाइटेड थे एंड रेसिप्रोकल रिलेशन थे अगर मैं आपके लिए कुछ करूँ आप मेरे लिए कुछ करो क्लोज एंड मेनोलिथिक थी ठीक है दैट मीन्स इसका रिलेशन जो था बाकी uh, जैसे एक विलेज है क्लोज है ठीक है तो दैट मीन्स इसका इंटर विलेज रिलेशनशिप जो है वो डेवलप नहीं था सेल्फ सफिशेंट काइंड ऑफ आपके विजेस थे ये yes, कम्युनिटी रहते थे जहाँ पे भी कम्युनिटी की बात होती है तो वहाँ पे हम वी फीलिंग की बात करते हैं ठीक है है वी वी फीलिंग फीलिंग होता जब लोग आपस में सेंटिमेंट्स के थ्रू या इमोशनल बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड होते हैं तो वो था विलेज में एंड कास्ट जो था विलेज का एक सेंट्रल यूनिट था एकेडमिकली जो अर्लीएस्ट आइडिया था इंडियन विलेज का वो किसने डेवलप किया था वो किया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्कॉलर्स ने और उसके लिए उन्होंने बुक यू दैट इज योर इंडोलॉजिकल परस्पेक्टिव जो है वो यूज किया था वो आइडिया को जनरेट करने के लिए जो इंडियन विलेजेस है वर एंड पोर्ट्रेट एज अनचेंजिंग देखो जहां पे भी अब ये आएगा कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने कौन सी पिक्चर जनरेट करने की कोशिश की थी इंडियन सोसाइटी आपको ये की S -S ये निमोनिक याद रखना है है एस एस आई ओ ठीक हो गया आपका आइसोलेटेड सेल्फ सफिशियंट एंड ऑर्थोडॉक्स ये पिक्चर उन्होंने डिटर्मिन करने की कोशिश की थी बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स लाइक मेटकैफे चार्ल्स मेटकैफे उन्होंने भी ये जो सीसोप का काम है ये बड़ी बखूबी से निभाने की कोशिश की थी बट कैफे ने क्या कहा था इन्होंने इंडियन विलेजेस को कहा था एज लिटिल रिपब्लिक्स तो ये की वर्ड्स आप याद रख लेना लिटिल रिपब्लिक्स का मतलब उन्होंने क्या कहा था कि मोनोलिथिक थे दैट मीन्स मोनोलिथिक स्ट्रक्चर आप क्या किसको बोलते हो एक सिंपल सिंगल स्टोन अगर होगा वो मोनोलिथिक होगा ठीक है तो एक सिंपल क्लोज्ड सोसाइटी थी एटोमेस्टिक था दैट मींस उसमें जो इंडिविजुअल्स थे वो आपस में वो सेल्फ सफिशिएंट थे उतनी कनेक्टिविटी नहीं थी बाकी विलेजेस के साथ एंड दे वर अनचेंजिंग ठीक है तो इन्हें कहा था विद विलेज जो कम्युनिटीज है उनको लिटिल रिपब्लिक्स कहा था हैविंग एवरीथिंग दे वांट विद इन दम सेल्स दट इज एटोमिस्टिक वो सेल्फ uh, सेंटर्ड या आप उनको सेल्फ सफिशिएंट बोलो एंड दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉरेन रिलेशंस वेस्टर्न राइटर्स ने क्या कहा उन्होंने इंडियन विलेजेस को कहा रेमिनेंट और सर्वाइवल फ्रॉम वट वॉज कॉल्ड एज द इन्फेंसी ऑफ द सोसाइटी ठीक है तो आप बोल सकते हो जो अर्ली पार्ट है सोसाइटी का उसका रेमिनेंट या उसका रेजिड्यू कौन था इंडियन विलेजेस मेन मुनरो एंड बेडन पॉवल हेनरी मेन थॉमस मुनरो एंड बेटिन पॉवल उन्होंने क्या कहा था उनके भी यही सिमिलर व्यूज थे रिलीजन को ऑर्थोडॉक्स सोशल यूनिट कहा गया था कास्ट को एसेंशियल पार्ट ऑफ विलेज लाइफ कहा था ठीक है जो अर्लीस्ट व्यू था इट वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाई दी कॉनल इंटरेस्ट क्योंकि उनको क्या चाहिए था उनका अपना था उनको रेवेन्यूज़ के लेके रिलेटेड काम करना था इस वजह से उनको इंडियन सोसाइटी को स्टडी करना था तो ये सारी व्यूज़ हैं जो इंडियन विलेजेस की वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे तो इसमें आप क्या याद रखोगे लिटिल रिपब्लिक्स वाला कॉन्सेप्ट उसमें मोनोलिथिक एटोमिस्टिक अनचेंजिंग मेट कैफे याद रखोगे ये नाम ठीक है और वेस्टर्न राइटर्स ने क्या कहा था इनफैंसी ऑफ सोसाइटी ये आप याद रखोगे और ये एक दो नाम मेन या मुनरो यही दो याद रख लो या बैडन पॉवल भी इनके भी यही सिमिलर व्यूस है इस चीज़ को लेके और इसमें रिलीजन की बात हुई जिसको ऑर्थोडॉक्स सोशल यूनिट कहा गया था ठीक है कास्ट को असेंशियल पार्ट ऑफ विलेज लाइफ तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जो बुक व्यू जनरेट किया था इंडियन विलेज का और मेनली इसमें कौन इन्वॉल्व थे आपके ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ठीक है या वेस्टर्न राइटर्स एंड स्कॉलर्स उसके बाद आ गया हमारे इंडियन व्यूज तो उसमें नेशनलिस्ट के व्यू आए जहाँ इन्होंने एक तरफ से इंडियन सोसाइटी को जो वेस्टर्न राइटर्स से उन्होंने बिल्कुल ही एक, एक एक्सट्रीम पे लिया बिल्कुल अनचेंजिंग है स्टैटिक है तो जो नेशनलिस्टिक व्यू है इन्होंने ओवर हार्मोनाइज एक ग्लोरिफाइड पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की कि हाँ ये ऑथेंटिक मॉडल है ट्रू इंडिया का स्टोर हाउस ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन है जो डिवाइसिव चीजें हैं विलेजेस की या जो गलत चीजें वहाँ पे हो रही थी उस बारे में इन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया इन्होंने इंडोलॉजिकल सोर्सेज को सिलेक्टिवली यूज़ किया कि जो जो सोर्स तारीफ कर रहा है इंडियन विलेजेस की उसको ग्लोरीफाई कर रहा है सिर्फ इस पे इन्होंने एम्फेसाइज किया ठीक है एंड हाईलाइट्स द पॉजिटिव्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विलेज को एक और हार्मोनाइज्ड सोशल यूनिट कहा व्हिच एंबोडाइड द कोर वैल्यूज ऑफ द इंडियन सोसाइटी विलेज को सिंबल ऑफ प्योर एंड सिंपल लाइफ ठीक है तो ये हो गया कौन सा व्यू नेशनलिस्टिक व्यू इंडियन विलेजेस को लेके आप देख रहे हो आपको एक आंसर में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं या डिफरेंट आप लोग पैराग्राफ जो एक डिफरेंट आइडिया को टच कर रहे हैं तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि इंडियन विलेजेस के लेके कोई भी क्वेश्चन आता है कैसा व्यू जनरेट किया क्या किया तो आपको यहाँ से कंटेंट मिलेगा कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया फिर नेशनलिस्ट ने क्या किया देन एक बैलेंस अप्रोच था बाय द लाइक्स ऑफ गांधी उन्होंने क्या कहा उन्होंने जो जहाँ पे डिकेड हो रही थी इंडियन सोसाइटी उसको ग्लोरिफाई करने की कोशिश नहीं की ठीक है ही डिड नॉट ग्लोरीफाई द द विज ओवर टाइम लेकिन एट द सेम टाइम ऑल्सो सेलिब्रेटेड द सिंपलिसिटी ऑफ द विलेज लाइफ जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज हर घर में एक इंडस्ट्री वो सारी या पंचायती राज वो सारे गांधी वैल्यूज से एसोसिएटेड हैं ठीक है बाद में कॉटेज इंडस्ट्रीज को आर्टिकल इसमें भी डीपीएसपी में भी इंक्लूड किया गया किसमें आपका फोर्टी थ्री बी शायद यही है आर्टिकल नंबर तो ये सारी चीजें जो है आपके काम आएंगी ऐसे करके अगर आप आंसर पढ़ोगे तो गांधी ने ही कहा अंबेडकर जो थे उनका बिल्कुल ही अलग व्यू पॉइंट था क्योंकि अंबेडकर इसके अगेंस्ट थे वो कॉल आउट करते थे गलत चीजों को क्योंकि खुद वो सो कॉल्ड लो कास्ट को बिलोंग करते थे तो वो एक्चुअली उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी थी और उन्होंने एक्सपीरियंस भी की थी कुछ चीज़ें तो उन्होंने क्या कहा था विलेज को सिंक ऑफ लोकलिज्म डेन ऑफ इग्नोरेंस नैरो माइंडेडनेस कम्युनलिज्म मार्क्ड बाय एक्सक्लूजन एक्सप्लॉटेशन एंड अनटचेबिलिटी तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है अंबेडकर तो आपको अंबेडकर व्यू पॉइंट भी मिल गया गांधी व्यू पॉइंट भी मिल गया नेशनलिस्ट का भी मिल गया ठीक है एंड देन आपको वेस्टर्न राइटर्स का भी मिल गया मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने क्या कहा था इन्होंने कहा था विलेज को कि बैग ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शंस है क्योंकि इन्होंने भी तारीफ तो ऑब्वियसली की नहीं होगी मार्क्सिस्ट है तो इन्होंने इसको इकोनॉमिक व्यू ही दिया कि जो कुछ पावरफुल है वो डोमिनेट करते हैं इंडियन विलेज को ठीक है ये हो गया आपके डिफरेंट व्यू पॉइंट इंडियन विलेजेस को लेकर ियल आइडिया ऑफ इंडियन विलेज जो है इट वॉज ग्रेटली करेक्टेड अपॉन बाई लेटर इंडोलॉजिस हमने पढ़ा इन्होंने क्या किया था एंथ्रोपोलॉजिकल डिफ्यूजन प्रोसेस जो है इन्होंने इंडोलॉजी के साथ क्लब किया था एंड ही गेव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड इज फादर ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी कुछ रूरल सर्वेज भी हुए थे पोस्ट 1920 ठीक है ताकि इकोनॉमिक पिक्चर मिले हमें विलेजेस की दैट ऑल्सो हेल्प इन द इनफॉमेशन ऑफ एक्रेट पिक्चर ऑफ इंडियन विलेज तो क्या वो सर्वेज हुए थे वो कुछ नाम है यहाँ पे पंजाब इकोनॉमिक बोर्ड इंक्वायरी बंगाल बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वा इन दिक्कत आज है किया था, colonial, uh, के वो कैसे किया गया? तो उसमें अगर आप स्टडीज के नाम भी लिखोगे आपके लिए अच्छा रहेगा ऑपरेशनल ब्रिटिश रूल एंड सोशल इकनॉमिक इम्पैक्ट है उनको हाईलाइट किया गया था स्ट्रगल एंड इम्पोवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री जो है इट वॉज ऑल्सो हाईलाइटेड इट वॉज शोन दैट जेस जो है वर नॉट एज आइसोलेटेड एज द ब्रिटिश हैड प्रोजेक्टेड देम ठीक है वो वो सीसो नहीं थे जो ब्रिटिश बोलते थे एंड माइग्रेशन होती थी विलेज भी आउटसाइड विलेज यू मैरी इंटर विलेज इकोनॉमिक टाइज भी चल रहे थे किसके रूप में जजमानी सिस्टम ठीक है तो ये आइडिया हुआ थोड़ा पोस्ट नाइनटीन ट्वेंटी थोड़ा व्यू जनरेट करने की व्यू चेंज करने की भी कोशिश की गई तो इंडिया का जो इंडियन विलेज का आइडिया है इसको फर्दर रिफाइन किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी रिफॉर्म वगैरह लेके आए थे एक हमें रियलिस्टिक पिक्चर मिली थी बाई न्यूमरस फील्ड स्टडीज दैट वर कैरीड आउट आफ्टर इंडिपेंडेंस नाइनटीन में इस स्टडीज के साथ जो बुक व्यू है ये खत्म हो गया था एंड इट वॉज रिप्लेस बाय खत्म हो गया था इन द सेंस कि इसकी इंपॉर्टेंस डिक्लाइन हो गई थी एंड इट वाज़ रिप्लेस बाय फील्ड वर्क ज्यादा रियलिस्टिक असेसमेंट के लिए आप देखो जो आम चेयर स्कॉलर्स हैं वो बैठ के सिर्फ बातें करेंगे उनका जो भी फाइंडिंग होगी वो क्वेश्चनेबल होगी तो उसको रिप्लेस इवेंचुअली फील्ड वर्क करेगा क्योंकि फील्ड वर्क आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी चीज की अग्रेडियन विलेज वर नाउ स्टडी इन टर्म्स ऑफ देर इकनॉमिक बेसिस ऑल्सो ठीक है आप सिर्फ कास्ट के बेसिस पे या आप उसको कल्चरली बैकवर्ड बोलो सिर्फ उन चीज़ों पर स्टडी नहीं किया गया इकनॉमिक बेसिस पे भी स्टडी किया उनका क्रॉपिंग पैटर्न वो कैसे क्या करके क्रॉप क्या करते हैं सो क्या करते हैं ठीक है और कितना लैंड वो किस क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें स्टडी की गई और अग्रेरियन स्ट्रक्चर जो थे लैंड स्ट्रक्चर वगैरह उनको एनालाइज किया गया एविल्स प्रिवेलिंग इन इंडियन विलेजेस जो थे वर आल्सो रियलिस्टिकली असेस्ड उसको इग्नोर नहीं किया गया उसको भी असेस किया गया एंड होलिस्टिक अकाउंट लिया गया सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन का नहीं लेकिन सोशल कल्चरल सिचुएशन सबका इंडिपेंडेंस के बाद सोशलॉजिस्ट जो थे दे ट्राई टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रिजिड एंड द स्टेगनेटेड व्यू ऑफ इंडियन विलेज इसके रिलेटेड uh, कुछ नाम याद रख लेना डुमो वगैरह एंड एन्द्रेबिताए ठीक है डुमो ने क्या कहा था लुई डुमो ने इन्हें कहा था कि विलेज जो है फार मोर देन अ लोकल मोर देन जस्ट जैसे कलेक्शन ऑफ़ हाउस एंड फील्ड्स की सिर्फ एक जोग्राफिकल एरिया नहीं है इट इज़ मोर देन कलेक्शन ऑफ हाउस एंड फील्ड्स दैट मीन्स ये आपको एक स्टोर हाउस ऑफ कल्चर भी देखने को मिलेगा विजेस के थ्रू जो अंद्रे बिते हैं इन्होंने स्टडी किया था श्रीपुरम विलेज को इन तांजोर डिस्ट्रिक्ट ठीक है इन्होंने लिख कहा था एज एटलीस्ट एज़ फार एज़ एज़ फार बैक इन टाइम एज लिविंग मेमोरी गोस कोई रीज़न नहीं है बिलीव करने का कि जो विलेजेस हैं वो फुली सेल्फ सफिशिएंट है

तो जहां पे एक स्टैटिक व्यू जनरेट करने की कोशिश की है वहां पे आप ये नाम याद रख लोगे मेटकैफे हो गया मेन मुनर पॉवल लिटिल रिपब्लिक्स ठीक है फिर नेशनलिस्टिक आ गए उसके बाद गांधी आ गया अंबेडकर आ गया ठीक है फिर यहाँ पे जो फील्ड वर्क हुए थे कुछ उनके सर्वे के नाम वगैरह एंड देन दे चेंज होने लगा पोस्ट इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन से थिंकर्स आप याद रखोगे लुई डिमोप एक नाम है ऑंद्रे बिताई इन पास It's काफी जो आइडियल टिपिकल इमेज बन गई थी विलेज की कि एक पर्टिकुलर टाइप का विलेज होता है ठीक है स्टैटिक है अनचेंजिंग है एंड कास्ट डोमिनेटेड है वो सारी चीजें उसको भी चेंज किया गया सिविक रिफॉर्म्स लाए लैंड रिफॉर्म्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आगे वाले चैप्टर्स में हमें डिटेल में पढ़ना है जिसकी वजह से क्या हुआ जो विलेज की जो इमेज है वो चेंज होती गई विद एबोलेशन और सस्पेंशन ऑफ प्लान रेवेन्यू जो विलेजेस हैं दे डेवलप्ड डिफरेंट पैटर्न ऑफ रिलेशन विद द गवर्नमेंट ऑफिशल ठीक है इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म पंचायती राज सिस्टम आ गया ये किस में किससे लाया था सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अब देखो ये सारी चीज़ें हैं ना जैसे पंचायती राज है ठीक है अगर आपको इसका आर्टिकल याद है या ये इंपॉर्टेंट इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेवेंटी 73 थ्री का सेवेंटी थर्ड सी ए ये आप सोशालोजी में यूज़ कर सकते हो ठीक है इससे आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे और हो सकता है बाकी लोग ये स्कप कर जाएँ कोई एक चीज़ अगर आती है जैसे कहीं पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का जिक्र हुआ तो उसका आर्टिकल सामने लिख दो ठीक है कहीं इक्वालिटी की बात हुई तो आप ये लिख सकते हो कि इंडिया में ये फॉलोइंग आर्टिकल में ही आता है तो ये चीज़ें आपको एडिशनल पॉइंट्स देती हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें होगी पावर स्ट्रगल वॉज नाउ ओपन टू ऑल सेक्शंस एज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड वॉइस टू द अर्स्ट वॉइल वॉइसलेस सेक्शन अब पावर में डिफरेंट कास्ट के लोग भी आ गए ठीक है अग्रेरियन के डिफरेंट क्लासेस के लोग भी आ गए जो पिजन क्लास थी वहाँ से भी लोग उठ गए पावरफुल क्योंकि उनके पास क्या था न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी अब लोग दरअसल खुद को पहचानने लगे अपनी वॉइस को पहचानने लगे इसलिए हमें अब फील्ड में ये हमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स देखने को मिला पॉलिटिक्स में भी तो उसे भी काफ़ी चेंज में आ गया टूडे कम ऑफ रिसोर्स हैज़ इंक्रीज इन विजेज एंड एट टाइम्स देर आर कॉन्फ्लिक्स टू ठीक है पहले क्या बोलते थे विलेजेस को यूनिटी एंड रेसिप्रोसिटी वो सारी चीज़ें बोली गई थी कम्युनिटी फीलिंग वगैरह लेकिन अब विलेजेस में ये नहीं विलेजेस में भी कॉन् कॉम्पिटिशन

फाइन तो कम्युनिकेशन मीडिया से काफी चेंज होने लगा अब ये जो गैप थी अर्बन और विलेज की वो गैप आयिशा ब्लर हो रही है अर्बन एंड मॉडर्न वैल्यूज जो पेनेट्रेट कर रहे हैं विलेजेस में एट अ स्पीड नेवर विटनेस बिफोर अब देखो पहले क्या होता था अर्बन में अलग ही दुनिया चलती थी रूरल में अलग ही दुनिया चलती थी आज सबके साथ मोबाइल फोन है

जो इंडियन विलेज है इज श्रिंकिंग एज अ सोशियोलॉजिकल रियालिटी ऑल दो इट एक्जिस्ट एज अ स्पेशल यूनिट ठीक है कि सोशियोलॉजिकल रियालिटी एज अ सोशोलॉजिकल रियालिटी श्रिंक कर रही है इसका क्या मतलब हुआ जो इंडियन विलेज है और जो मैंने अभी कहा अर्बन उनके बीच का गैप ब्लर हो रहा है जब ये दोनों का गैप ब्लर होता जाएगा कंबाइन होते होते जाएंगे अल्टीमेटली ओवरलैप ही करेंगे यही दीपांकर गुप्ता का कहने का मतलब है कि एज अगर आप सोसाइट सोशलॉजी कली आप अलग अलग पढ़ना चाहो ये रियलिटी बेसिकली श्रिंक कर रही है क्योंकि वो अब सेम हो रही है बस एक एरिया रह गया है जोग्राफिकली तो हम डिवाइड करते हैं ना कि ये पर्टिकुलरली यह है यहाँ से गाँव स्टार्ट है ये शहर है तो वो सारी चीजें तो हम बोलते हैं ना दीपांकर गुप्ता कहने का मतलब क्या वो सारी चीजें अभी भी हैं लेकिन एज अ सोशलॉजिकल रियालिटी ये श्रिंक कर रहा है विलेजेस जो है एज अ सोशल यूनिट अभी वेल कनेक्टेड है विद आउटसाइड वर्ल्ड गवर्नमेंट ने काफी सक्सेस आफ्टर इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आर नाउ कनेक्टेड वेदर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट वगैरह सो ऑन तो सेल्फ सफिशिएंट, आइसोलेटेड कॉलोनियल पोर्ट्रियल जो विलेजेस का वो उसको निगेट किया गया एक बिकॉज एज पर टू थाउजेंड इलेवन सेंसमोट से तो एक पिक्चर जो है डेवलप uh, करना इंडियन विजेस की वो इंपॉर्टेंट भी है लेकिन एज अ सोशल कॉन्सेप्ट जो है इट हैज बिकम लेस अपीलिंग लेस रोमांटिक टू सोशल रिसर्चर्स एज वेल एज टू दॉपुलर मास मीडिया ठीक है क्योंकि अगेन मैंने कहा जो लाइन है वो ब्लर कर रही है अगर ये आपका पहले रूरल एरिया था ये विलेज था इनके बीच में और ये अर्बन एरिया था तो काफी डिफरेंस था अब ये ओवरलैप कर रहा है तो आई साइड से वो इंटरेस्ट जो है विलेज में क्या हो रहा है वो कोई उसमें कोई सस्पेंस नहीं रहा है ठीक है ये अब नॉर्मल हो गया है एंड ये काफी डिफरेंस जो है वो भी कम होने लगी है अब ये भी इसने बोला गया है अगर हम बॉलीवुड रिलीजेस देखें रिसेंटली आप कितनी मूवीज बनती होंगी विलेज स्टडीज पे पहले कितनी सारी बनती थी ना वो सुखी लाला वाली स्टोरीज माँ के कंगन गिरवी रखे वो सारे कितना क्योंकि तब लोगों को जानना था विलेजेस में क्या हो रहा है अब ये काफी चीज जो है वो ये जो है इंटरमिक्सिंग विलेज और अर्बन की काफी हद तक हो रही है तो अब ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है दीपांकर गुप्ता अपने रीसेंट आर्टिकल में विथर द इंडियन विलेज 2005 में एक रीसेंट आर्टिकल उन्होंने कहा द ट्विन शैकल दैट वंस डिसाइडेड मैटर्स फॉर इंडिया विलेजेस कास्ट एंड एग्रीकल्चर नो लॉन्गर एग्जिस्ट एक्सरसाइज देयर विगर होल्ड की इंडियन विलेजेस में क्या हो रहा है कास्ट की वैल्यू भी कम हो रही है एंड एग्रीकल्चर की वैल्यू भी कम हो रही है इसी कैसे आपको पता चलता है क्योंकि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था पी एल एफ एस टू थाउजेंड एटीन था। उसमें ये कहा था जो रूरल हाउस होल्ड है उनकी जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर की वो पहले के कम्पेरेटिवली फिफ्टी परसेंट कम हो गई है ठीक है तो अब ज्यादा एग्रीकल्चर पे आप डिपेंडेंट नहीं हो और जो बाकी प्रोसेस चल रहे हैं में फॉर एग्जाम्पल फ्लूडिटी ऑफ ऑक्युपेशन अब जो सो कॉल लोअ कास्ट है वो लोग भी उसी ऑक्युपेशन में जाते हैं जहां हाई कास्ट जा रहे हैं एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन सब चीजों से कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन वीक हो गया है तो दीपांकर गुप्ता ने क्या कहा था दो चीजें जो थी जो पहले डिटर्मिन करती थी इंडियन विलेजेस को जैसे कास्ट और एग्रीकल्चर अब उनकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही है तो उसको प्रूव करने के लिए हम ये साइड कर सकते हैं पी का ये कोर्ट के से फिफ्टी परसेंट जो है डिपेंडेंस एग्रीकल्चर की वो कम हो गई है रूरल हाउस में एंड सेकेंडली फ्लूडिटी ऑफ ऑक्यूपेशन एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसी चीजों से कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन वीक हो गया है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होता है जब आप पॉलिटिक्स करते हो अपनी आइडेंटिटी को मेन सेंट्रल पॉइंट रख के फॉर एग्जाम्पल कास्ट पॉलिटिक्स या इज इट इज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कि आप अपनी आइडेंटिटी कास्ट को बताते हो और उसी के बेसिस पे आप पॉलिटिक्स कर रहे हो क्लास पॉलिटिक्स भी हो सकता है इसमें ठीक है आप अपनी आइडेंटिटी को लेके पॉलिटिक्स कर रहे हो तो उससे आपका इंस्टीट्यूशन वीक कैसे हो जाएगा क्योंकि अब जो लो कास्ट वाले हैं वो उनको इक्वालिटी चाहिए वो पॉलिटिक्स में क्या होता है बेसिकली जो कास्ट एसोसिएशन है कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसके लिए आगे लड़ रही हैं कि हमें इक्वालिटी दे दो हमें इक्वल राइट्स दे दो इनफैक्ट हमें मोर राइट्स दे दो जो बाकियों को मिल रहे हैं तो अब आप खुद को एसोसिएट कर रहे हो कास्ट से अब अब वीक कैसे हो जाएगा कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन इन चीजों से क्योंकि पहले कास्ट को कैसे समझा जाता था आपकी कोई वॉइस नहीं थी अगर आप दलित ग्रुप को बिलोंग करते हो ठीक है तो आप क्या आप सो कॉल्ड दलित या सो कॉल्ड शुदाज को बिलोंग करते हो दैट मीन्स आपकी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा री इन्फोर्स है या इम्फेसाइज किया गया है कि आपकी कोई वॉइस नहीं है और आपको सबजोगेट एक्सप्लोय किया जाता है लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से आप अब चौड़े होकर बोलते हो कि नहीं मैं इस कास्ट का हूँ तो मुझे लेकिन इक्वल ट्रीट करो तो जो कास्ट एस एन इंस्टीट्यूशन है जो डिस्क्रिमिनेटरी पार्ट था कास्ट का वो वीक हो गया है

ठीक है तो इन्होंने क्या किया था इन्होंने भी इसी चीज को री किया था और डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो विलेज है एज अ सोशल यूनिट ये चेंज हुआ है ओवर द पास्ट सेंचुरी इन द रूरल हिंटरलैंड ऑफ तमिलनाडु ठीक है तो ये नाम इसमें आप याद रख सकते हो कि अगर ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा कि कास्ट और एग्रीकल्चर इंडियन विलेजेस अभी भी उसी के साथ हैं तो इसमें आपको नाम याद रखने हैं जैसे हारिस नागराज एंड दीपांकर गुप्ता इन्होंने क्या बोला था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से कास्ट इंस्टीट्यूशन कम हो गया ठीक है तो हर पैराग्राफ में से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है आप कोई भी जो पैराग्राफ पढ़ो ना समझ जाओ एक बारी उसके बाद फिर आप ब्रेन स्टॉम करो कि इस रिलेटेड जो मैंने अभी तक पढ़ा किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो उससे क्या होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको चीजें ग्रास्प करने में और रिटेन करने में इजी हो जाएगा According to them, caste as an institution in the villages has weakened as Dalits ne khud ko dealing kiya hai significantly from the agrarian labor and non-farm employments accounts for 40% of all the employment. इन्होंने क्या किया caste as an institution जो है weak हो गया है और Dalit जो है खुद को जो उनके पहले काम करना होता था कि वो सिर्फ labor वगैरह काम कर कर सकते थे वो reduce हो गया है और अब वो non-farm employment में भी जा रहे हैं. Shift from farm to non-farm employment is one of the single factor which has significantly changed the Indian village to a great extent. तो देख कोई काफी कितना इंपॉर्टेंट मतलब लाइन है ये आपके इसके लिए आंसर राइटिंग के लिए आप लिख सकते हो इंडियन विलेजेस कैसे चेंज हो रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है क्योंकि पहले फार्म एक्टिविटीज में मोस्टली इन्वॉल्व थे जब फार्म एक्टिविटीज में थे तो यूजुअली जो लो कास्ट के होते थे वो लो कास्ट वो वही वाला काम करते थे लेबर एग्रीकल्चर लेबर वाला काम अब वो नॉन फार्म में जा रहे हैं तो कास्ट लाइन भी ब्लर हो गई और विलेज की जो पिक्चर है इमेज है वो भी चेंज हो रहा है ज ए इंडियन इकॉमी मच्योर्स बिकम्स मोर सर्विस एंड मैन्युफर मैनुफैक्चरिंग ऑरिएटेड द शेयर ऑफ विजेज इन द इंडियन इकॉमी हेज कम डाउन ओवर ईयर ठीक है अब विलेजेस में इन नो लॉन्गर कॉन्ट्रीब्यूट डैट सिग्निफिकेंटली टू द इकॉनॉमी ठीक है क्योंकि विलेजेस में क्या यूजली माइग्रेट कर रहे हैं लोग और इन्हीं मैन्युफेक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स आपका जो सेकेंड एंड टर्सरी सेक्टर है उसकी तरफ ज्यादा आ रहे हैं लेकिन सोशली एंड कल्चरली अभी भी इम्पोर्टेंट है फार्मर्स यूज इवन टूडे काफी स्कीम्स है गवर्नमेंट की जिनका रूरल फोकस होता है स्पेशली क्योंकि उनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है डिस्ट्रेस की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में इन रिसेंट ईयर्स हम न्यूज़ में देखते रहते हैं फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह के रिलेटेड और जो आईडी ऑफ इंडियन विलेज है हैज़ अगेन कम इन टू शार्प फोकस इस अपेरेंट डिस्ट्रेस की वजह से फार्मर सुसाइड रूरल अर्बन इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम्स आर द न्यू डायमेंशनस जो जसेंचुएट करता है आइडिया ऑफ़ इंडियन विलेज तो अब कौन कौन से वहाँ पे इशूज़ आ रहे हैं इनकम की स्टेग्शन हो रही है ठीक क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है जो एग्रीकल्चर में पूरी फैमिली इन्वॉल्व है उसको हम डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट ठीक है दैट मीनस वो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो सारे बस किसी कोई ना कोई काम कर रहे हैं पर उसके रिटर्न अगर दस बंदे हैं ठीक है दस बंदे उस जगह पे हैं जहाँ पे दो बंदे रह के भी सेम यील्ड आएगा सेम रिटर्न आएगा तो वो डिस्गज एम्प्लॉयमेंट हुई और फार्मर वगैरह अभी नए डायमेंशन था जिससे आप इंडियन विलेज को स्टडी कर सकते हैं ठीक तो ये रहा आपका पहला टॉपिक एंड वील नाव मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ठीक है उससे पहले मैं थोड़ा इसको बढ़ा कर देती हूँ जूम इन

ऑब्जर्वेशन ये भी इसी का ही एक पार्ट आ जाता है एस प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिव टूल्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन इंटेंसिवली स्टडीड बाई द इंडियन अमेरिकन एंड ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो आपका फील्ड स्टडी फील्ड वर्क है वो मोस्टली कहाँ किससे रिलेटेड एंथ्रोपोलॉजी से वहीं से वो आया था एंड विलेज स्टडीज जो थे बिकेम सेंट्रल टू द इमरजेंस ऑफ सोशलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया क्योंकि अगेन विलेज जो है मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विलेजे में रहती है तो विलेज को समझना एक सेंट्रल पॉइंट माना गया था हमेशा से इंडिया सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए इंडिया की आगे देखते हैं इंडियन विलेज की स्टडी इसमें इंपॉर्टेंट नाम है एस सी दुबे इन्होंने स्टडी किया था शिमरपीत विलेज को नियर हैदराबाद ये काफी इंपॉर्टेंट कंसिडर होता है बिकॉज इट द फुल फर्स्ट फुल लेंथ वर्क एक सिंगल विलेज पर एंड इट वॉज होलिस्टिक एंड अप्रोच दैट मीनस इसमें काफी डिफरेंट डायमेंशन जो है वो इन्होंने कवर करे थे तो इन्हें क्या इसमें कहा था इन्होंने कहा था स्टेटस डिफ्रेंसिएशन होती है आपकी विलेजेस में ठीक है स्टेटस डिफ्रेंसिएशन है एंड वो किन फैक्टर्स पे होती है वो छह फैक्टर्स पे होती है लैंड ओनरशिप पे लैंड है कि नहीं क्या पोजीशन है गवर्नमेंट सर्विस में एंड विलेज ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्या पोजीशन है वेल्थ कितनी है एज क्या है रिलीजन कास्ट क्या है एंड आपके अपने पर्सनल कैरेक्टरस्टिक्स पर्सनल फीचर्स पे तो ये सिक्स फैक्टर्स याद रख लेना अगर ऐसे दुबे करके डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए क्योंकि पहले आया है एक बार इनकी स्टडी का तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो ठीक है तो इन्होंने अपनी स्टडी जो की थी डिस्क्राइब किया था इन्हें विलेज को ऑन द सेम लाइन्स जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था अपनी पहली विलेज स्टडी की अपनी पहली विलेज स्टडी में जिसमें उन्हें स्टडी किया था मेक्सिको के विलेज को ठीक है तो रॉबर्ट रेडफील्ड जो है उन्होंने स्टडी किया था मेक्सिको के एक विलेज को और उन्होंने वहां हमें कॉन्सेप्ट दिया था रूरल या फोक अर्बन कॉन्टेनियम का इसको रूरल अर्बन कॉन्टेनियम भी बोला जाता है फोक अर्बन कॉन्टेनियम तो इसमें इन्होंने क्या कहा था जो फोक है वो आपकी पास्ट सोसाइटीज हैं ठीक है रूरल सोसाइटीज हैं एंड जो आपके अर्बन है वो कंटेम्प्रेरी है And ये जो ट्रांजिशन होता है सोसाइटी से गुजर के जो इंटरमीडियट सोसाइटी है, आपकी, आपकी है तो इसको है या इन लाइन के बेसिस पेबे ने क्या किया था इंडियन विलेज को डिस्क्राइब करा था इंडिपेंडेंस से पहले जो विलेज स्टडीज थी वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स और सारी चीजें हमने पढ़ ली है अभी तक फिर ऑर्थोडॉक्स व्यू वगैरह जनरेट किया था ठीक है डब्बू एच रिवर ने स्टडी किया था टू ऑफ नीलगिरी इट वॉज बेस्ड ऑन द फील्ड वर्क एंड पहला मोनोग्राफ था ऑन द पीपल ऑफ इंडिया इन मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेडिशन तो ये नाम भी याद रख लेना बिहाइंड मड वॉल्स जो था वो ए, किसने लिखा था विलियम एच वाइजर ने ठीक है मिशनरी कपल थे जो इंडिया में ही रहते थे विलियम एच वाइजर ऑल्सो रोड द हिंदू जजमानी सिस्टम ठीक है ये सारी चीजें कुछ नाम एंड उनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है ये भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हो ये कहीं ना कहीं आंसर में आपको जरूरी काम आएगा विलेज स्टडीज जो थे मार्केट सटल शिफ्ट फ्रॉम बुक व्यू टू फूल फील्ड व्यू इन द इंडियन सोशियलॉजी क्योंकि मैंने कहा बुक व्यू जो है या अपनी ऑथेंटिसिटी शीन जो है लूज करता गया एंड एम्पेरिकल फाइंडिंग जो थे इन्होंने रिजेक्ट किया स्टार्टिक व्यू ऑफ इंडियन विलेज अगेन वो जो सीसो व्यू था जनरेट जो किया गया था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू उसको रिजेक्ट किया था uh, किसने जिनने फील्ड व्यू अंडरटेक किया था सोशलॉजीडर्ड विलेज को एज अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग इन द इंडियन सोसाइटी जो विलेज स्टडीज है वो इंपॉर्टेंट है टू हैटेन द ट्रू नेचर ऑफ द रूरल लाइफ ठीक है ये अंडरस्टूड है इंडिपेंडेंस के बाद जो विलेज स्टडीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट थी ताकि हमें ट्रू पिक्चर ऑफ़ विलेज की मिले वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी था क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हमें अपलिफ्ट करना था पोअर सेक्शंस को तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए पहले हमें उनकी प्रॉब्लम जानना जरूरी है क्योंकि पॉलिसीज़ लेके आने हैं प्लान लेके आने हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक ट्रू पिक्चर ऑफ विज जो थी वो वो हमें देखना इंपॉर्टेंट था तो काफ़ी प्रोग्राम्स लाए गए जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हमें आगे पढ़ना है चैप्टर्स में इट रिक्वायर सोशल रियालिटी ऑफ द विज बी एग्जामिन ठीक है तो विलेज सोसाइटीज स्टडीज जो थी वे ऑलसो यूज एज अ टूल करने के लिए ऑर्डर एंड चेंज इन टर्म्स ऑफ कास्ट इन इक्वालिटी एंड अदर सोशल इविल्स एट मार्ट द रूल इंडियन रूरल इंडियन सोसाइटी तो ये सारी चीजें भी हमारे लिए जानना जरूरी था जो सोशल इविल्स जो थे प्रेविलेंट इंडियन सोसाइटी इंडियन विलेजेस में नाइनटीन फिफ्टीज़ में मनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशलॉजिस्ट बहुत इंडियन एंड फॉरन बिग्ञान वर्किंग ऑन दी विलेज लाइफ एंड सोसाइटी ये नाइनटीन फिफ्टीज़ में हुआ विलेज सोसाइटी स्टडीज़ जो थी वो इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो हमें इंडियन सोशलोजी विद सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे थे दैट वॉज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट एक न्यूली डेवलप इंडिपेंडेंट इंडिया में क्योंकि बेसिकली आप सोशोलॉजी में क्या करें आप सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो और कोई एक नई कंट्री बन गई है इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई है उसकी चीज़ों को स्टडी करना आप उसके विलेज को स्टडी करना कल्चर की स्टडी को स्टडी करना ये ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अभी तक वो सारी चीज़ें डिसिफर नहीं हुई हैं द गवर्नमेंट वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड इंड डेवलपिंग रूरल इंडिया गवर्नमेंट स्केप्टिकल था अबाउट द इफॉर्मेशन जो हमें किसे मिली थी कॉलोनियल से या बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटर से मिली जो लिंक थे अभी भी कॉलोनियल आइडियोलॉजी से वो चाहते थे कि हमें रियल गवर्नमेंट चाहती थी हमें रियल रॉ इन्फॉर्मेशन मिले ठीक है

अमंग द फर्स्ट वर्क ऑन विलेजेस ऑन दी सब्जेक्ट जो विलेज इंडिया बाई मैकेरियट है इट वॉज पब्लिश अंडर दुपरविजन ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ठीक है इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल अकाउंट्स है एम एन श्रीनिवास के कैथलिन गो के बर्नार्ड कोहन केवाइस के मैंडल बॉम एट्सेट्रा के एंड ऑफ मैके मेरिट हमसेल्फ इस बुक में एट इंडियन विलेजेस सेवन डिफरेंट लिंग्विस्टिक एरियाज एंड फाइव प्रोवेंसेज है उनको डिटेल्ड एनालिसिस किया गया था ऑन द बेस ऑफ कास्ट कम्युनिटी स्ट्रक्चर वगैरह ये सारी चीजें कि मैके मेरिट ने हमें दो इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट दिए थे यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरोलाइजेशन ये हम देखते हैं क्या होता है अब देखो ऐसा बोला जाता था जब भी मॉडर्नाइजेशन की बात आती है वेस्टर्नाइजेशन की बात आती है तो ये क्या यूनिलिनियल मॉडल है कि अगर आप ट्रेडिशनल सोसाइटी से जा रहे हो मॉडर्न सोसाइटी की तरफ तो आपकी मॉडर्नाइजेशन हो रही है आप वेस्ट को कॉपी कर रहे हो अपना लाइफ छोड़ रहे हो आपकी वेस्टर्नाइजेशन हो रही है ठीक है ये यूनिलेनियल है ये एक ही लाइन में चल रहा है ना इसमें रिवर्स कुछ नहीं हो रहा है लेकिन इन्होंने थ्रू यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकेलाइजेशन का एक यूनिवर्सल प्रोसेस एक uh, रिवर्सल प्रोसेस भी उसके साथ ऐड किया यूनिवर्सलाइजेशन में क्या होता है जब छोटे ट्रेडिशन की चीज़ बड़े ट्रेडिशन के साथ मिलती है वो यूनिवर्सलाइज हो रही है मतलब रूरल एरिया से कोई एक उनका ट्रेडिशन कोई वैल्यू बिलीफ जो है वो कहाँ फैल रहा है सिटीज में तो यूनिवर्सल हो रहा है इसका उल्टा अगर हो रहा है दैट इज योर पेरोकेलाइजेशन ये डिस्क्राइब करता है हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन विलेजेस एंड द ग्रेट कल्चर तो ये ऐसे भी चल रहा है वापस भी आ रहा है This was perhaps the first book to bring together a number of authoritative studies. MNC uh, from uh, in the form of collection of essays with the title of India's Villages, apart from work Village India of Meckham Marriott, this was perhaps the second most important antholo anthology on Indian villages. कौन सी एम एन श्रीनवास के कलेक्शन ऑफ एसेज जिसका टाइटल था इंडियाज विलेजेस तो ये सारे कुछ नाम है यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसमें ये भी आप देख सकते हो कॉन्ट्रीब्यूटर्स इंक्लूड एफ जी बेले एस सी दुबे कैथरीन गोड डेविड मैंडलबॉम मैकम मेरियट एंड सो ऑन इन्होंने क्या किया ट्राई टू काउंटर द इनसेपट यूनिलील मॉडल ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन जो मैंने बताया ठीक है द वर्क ऑल्सो डेमोस्ट्रेटेड के जो इंडियन विलेजेस है वो हेटीरियोजीनियस इन नेचर है दैट मीनस विलेजेस जो है वो भी उतने ज्यादा सेम स्टैटिक सिंपल चीजें नहीं वहाँ पे हो रही है वहाँ पे भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आपको मिलेंगे डिफरेंट वेरियस इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे ठीक है पर वर्क इज रिपोर्टेड इन एम एन श्रीनिवास फेमस बुक द रिमेंबर्ड विलेज श्रीनिवास ने क्या किया था ही स्पेंट स्पेंड नियरलीयर एक विलेज में नियर माई दैट ही नेम रामपुरा ठीक है तो इंडियन विलेज एंड सोसाइटी रिमेन लाइफ लॉन्ग फोकस ऑफ द इंटरेस्ट फॉर श्रीनिवास अब जो श्रीनिवास थिंकर हमने पढ़ा यहाँ से उनके विलेज को लेके भी आप थोड़े बहुत जो पॉइंट्स है उठा सकते हो इस काम को लेकर मोर ओवर जो विलेजेस हैं वो कभी भी सेल्फ सफिशेंट नहीं थी इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व था वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक सोशल पोलिटिकल रिलेशनशिप्स एट रीजनल लेवल ठीक है तो ये यही दरअसल बोलने की कोशिश कर हो रही है बार बार जो व्यू एक जनरेट करने की कोशिश की गई थी वो गलत थी तो यहाँ पे कुछ स्टडी है इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स की एफ जी बेले एंथ्रीपोलॉजिस्ट की एफ जी बेले सी मायर डेविड एफ बोकॉक ये आप यहाँ पे देख सकते हैं उसमें सिंपल सिंपल बातें बोली गई हैं हम यहाँ से देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मेजर एजेंडा था टू स्टडी विलेजेस का वो क्या था देखने के लिए सोशो इकोनॉमिक मेकअप ताकि रियलिस्टिक पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म फॉर्मूलेट कर सके ठीक है गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी थी तो उनको सोसाइटी का सोशो इकोनॉमिक सेटअप विलेजेस का जानना जरूरी था ठीक है अगर सोसाइटी में कास्ट बेस्ड चीज़ें हो रही हैं तो ही वो ऐसी कोई पॉलिसी लेके आएंगे जो एंटी कास्ट आइडियोलॉजी होंगी अगर गवर्नमेंट में वुमेन सब्जुगेट हो रही हैं तो ही वो प्रो वुमेन पॉलिसीज़ लेके आएंगी या अगर लाइवलीहुड uh, काफ़ी कम है या सफ़र कर रहा है तो ही वो एम्प्लॉयमेंट की कुछ पॉलिसीज़ लेके आएंगी तो उनके लिए सोशो इकोनॉमिक सेटअप जानना जरूरी था इकोनॉमिक सर्वेज हुए थे अलॉन्ग विद एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज दैट इज़ योर फील्ड स्टडीज़ तो इकोनॉमिक्स क्या यूज़ करते थे क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स आपके सर्वेज वगैरह ठीक है या कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स टाइप जो हमने सेकेंड चैप्टर पार्ट ए में पढ़ा है उनके अप्रोच जो थे वो साइंटिफिक थे एंथ्रोपोलॉजिकल जो थे वो क्या करते थे एथनोलॉजिकल स्टडीज एथनोग्राफिक स्टडीज सॉरी उनकी जिसमें क्या आता था आपका फील्ड स्टडीज वगैरह विलेज स्टडीज नाउ इंक्लूडेड ऑल द डायमेंशन ऑफ सोशल स्टडीज अब स्ट्रक्चर भी स्टडी किया जा रहा है कल्चर भी एंड चेंज भी एन्द्र बेटे ने अपनी इन्हें स्टडी श्रीपुरम ठीक है इन्होंने क्या कहा था वही एज फार एज एज एट लीस्ट एज फार बैक इन टाइम एज लिविंग मेमोरी गोज आई थिंक ये हमने पढ़ लिया है वेट मोस्ट ऑफ द स्टडीज ट्राई टू ब्रेक द कॉलोनियल इमेज ऑफ इंडियन विलेजेस कुछ स्कॉलर्स जो थे उनने एक अलग ही डायमेंशन पे गए थे जिसमें आपके ए आर देश आई है मार्क्सिन परसपेक्टिव वाले तो उन्होंने क्या कहा होगा कि इंडिया जो था वो आइसोलेटेड था एटलीस्ट इन इकोनॉमिक टर्म्स ठीक है तो उन्होंने एक नया डायमेंशन ऐड किया था इंडिया की स्टडी में और अपने किस वर्क में इसका नाम है रूरल एंड प्रेजेंट इन इंडिया तो इन्होंने अपने तरीके से इंडियन सोसाइटी को बताने की कोशिश करी थी अब जो विलेज सोसाइटी स्टडीज थी वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी उसका सिग्निफिकेंस यूटिलिटी क्या थी वो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है विलेज स्टडीज हेल्प इन कंटेस्टिंग द डोमिनेंट सीरोप पहला पॉइंट जो हमने हर जगह डिस्कस कर लिया विलेज स्टडीज ऑल्सो ऑफर्ड एंड आल्टरनेटिव टू द डॉमिनेट बुक व्यू ऑफ इंडिया बु कौन सा व्यू था आपके एंडोलॉजिस्ट का ठीक है और उन्होंने काफी मिथ ब्रेक किए लाइक जो कास्ट है आपका वो एक कम्पलीटली क्लोज ग्रुप है दिखाया उसमें भी मोबिलिटी होती है दी स्टडीज शो डेट विज जो है होमोजीनियस एंटिटी नहीं है इन टाइम एंड स्पेस ये हेटीरोजिनियस है इसके अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा आपको प्राइमरी फोकस था ऑन द सोशल एंड द रिचुअल लाइफ ऑफ द विलेज पीपल ठीक है इन स्टडीज़ ने हाईलाइट किया विलेज जो ही इंपॉर्टेंट है फॉर सोर्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर द विलेजर्स ठीक अगर अगर उसको विलेज पेट्रोटिम नाम दिया गया एड्रिन मायर ने तो ऐसे ऐसे की जो है आपको जरूरी याद रखने अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए एग्ज़ाम में एड्रियन मायर ने क्या कहा विलेज पेट्रोइिज्म कि अगर आप किसी को इंसल्ट करोगे ठीक है अगर आपने किसी के विलेज की इंसल्ट की दैट इज इक्वल टू आपने उसके किसी फादर या सिबलिंग की इंसल्ट किए तो उसी तरीके से आपका बदला लेगा अगर तो आप किसी गांव के बारे में कुछ बोलोगे जैसे आपने उसके फादर या सिबलिंग के बारे में कुछ बोला होगा इसको इन्होंने बोला था विलेज पेट्रोटिज्म एजियन मेयर ने दी स्टडी शोज दैट डिस्पाइट कास्ट एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी विलेज इज यूनाइटेड और वहाँ पे वो यूनिटी एंड रेसिप्रोसिटी वाली वो आ गया पॉइंट यहाँ पे सम ऑफ द स्टडीज़ ऑल्सो कॉशनड अगेंस्ट एन ओवर हारमोनाइज पिक्चर ठीक है उतने ज़्यादा हार्मोनाइज नहीं थे उसमें एफ जी बेलीस एन्द्रबेता वगैरह उन्होंने डिवाइसी टेंडेंसीज को भी हाईलाइट करने की कोशिश की सिमिलरली बिताई जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया इन ही स्टडी ऑफ विलेज श्रीपुरम दैट विलेज एज अ होल कॉन्स्टिट्यूटेड ए यूनिट इन अ फिजिकल सेंस एंड टू अ मच लेस एक्सटेंड इन अ सोशल सेंस दैट मीन जोग्राफिकली प्रेजेंट है लेकिन सोशोलॉजिकल रियालिटी वो नहीं रही है विलेज स्टडीज़ ऑल्सो अपार्ट इट वॉज फ्रॉम दी विलेज स्टडीज दैट दी कॉन्सेप्ट लाइक डोमिनेंट कास्ट वगैरह इमर्ज हुए थे ठीक तो पोस्ट इंडिपेंडेंट जो विलेज सोसाइटी स्टडीज थी इन्होंने हमें एक होलिस्टिक डाइवर्स और ऑथेंटिक पिक्चर दी इंडियन विलेजेस की जो इन विलेज स्टडीज थी इनकी अपनी एडवांटेजेस थी इन टर्म्स ऑफ देर पार्टिसिपेटरी एंड एम्पेरिकल अप्रोच दैट मीन्स आप सिर्फ आम चेयर वो स्कॉलर्स थे उनकी बातें नहीं हो रही थी अब आप फील्ड वर्क कर रहे हो जाके एंड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो योगेंद्र सिंह ने कहा देर वर लिमिट देवर लिमिटेड इन फोकस एज द स्टडी डी माइक्रोकॉस्मोस एंड डिडेंट डेवलप एनी थियरटिकल परसपेक्टिव तो इसको भी अब इसका भी क्रिटिसिजम होगा जो पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टडीज हो रही थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम पहले ही है योगेंद्र सिंह का इन्होंने कहा आपने कोई ग्रैंड थियोर्टिकल पर्सपेक्ट डेवलप नहीं किया बस आपने एक माइक्रोकॉस्मॉस को स्टडी किया है सिर्फ मेथड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो था दैट वॉज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ दीज स्टडीज इसकी अपनी अलग लिमिटेशन थी ये सारी हमने डिस्कस करी है पेपर ए में ही दे चूज टू अवॉइड एंड सेकेंडली क्या था जो ये फील्ड वर्क करने जा रहे थे ये आपसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछे थे या इनका जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट था वो मोस्टली हाई कास्ट लोगों के साथ था ब्राह्मन के साथ इनफैक्ट एम एन श्रीनिवास को इस बात पर बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो ब्राह्मण्स के साथ ही बैठे और उन्होंने उन्होंने ही ब्राह्मण से ही उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ली और ताकि वो उनको नाराज ना करें वो लो कास्ट के जो लोग हैं उनके पास जा ही नहीं पाए तो इसीलिए क्वेश्चन रेज करता है ऑथेंटिसिटी पे उनकी स्टडीज की एंजाइटीट एक्सेप्टी समाइम वर्कर्वेटिव इन आउटलुक फर्दर जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ विज है डिफ्रेंट पिक्चर ऑफ विलेज बेस्ड ऑन दियर सोशल पोजिशन अगर आप ब्राह्मण से पूछोगे उसके लिए विलेज अलग है क्षेत्रीय के लिए अलग है वेशा के लिए अलग है शूद्रा के, के लिए तो बिल्कुल ही अलग है दिस मेड इट डिफिकल्ट फॉर रिसर्चर्स टू अराव एट अलट तो ये सारे क्रिटिसिजम के पॉइंट्स जो स्टडीज नाइनटीन एटीज एंड नाइनटीन नाइनटीज में हुई थी वो बहुत कम थी लेकिन शार्पली फोकस थी इसमें अब नए नए डायमेंशन नए इशूज एड किए गए जैसे स्टेटसलित इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह प्रोफेसर लीला गुलाटी ग्रीन रेवोल्यूशन में सेपरेटली पढ़ना है आगे के चैप्टर्स में उन्होंने मेल माइग्रेशन फ्रॉम केरला एनालाइज किया था विच द कंट्रीब्यूशन मेड बाय वुमेन बोथ इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रिपेयरिंग फॉर माइग्रेशन कोपिंग विद इट ठीक है तो क्या होता था यूजली मेल जो है वो माइग्रेट कर रहे थे केरला में अभी भी देखो केरला में केरला से कितने लोग गए हैं सऊदी वगैरह जॉब के लिए ठीक है तो पीछे जो फीमेल असेंट्रिक फैमिलीज रह जाती हैं वो फीमेल्स कैसे कोप करती हैं उन चीजों से और वो कैसे प्रिपेयर करती हैं फैमिलीज को माइग्रेशन के लिए वो सारी चीजें लीला गुलाती ने हाईलाइट की थी मुकुल शर्मा ने <laughs> सॉरी मुकुल शर्मा जो है उन्होंने एक्सप्लोर किया था स्ट्रगल ऑफ मुसाहर ये माउ सीटिंग कम्युनिटी है और अटेम्प्ट टू ब्रेक दी शैकुल ऑफ कास्ट डिस्टर्ब ऑर्डर एंड क्रिएटेड न्यू वन तो ये सारी बातें मुगल शर्मा ने कही थी तो so, 1980s एटीज एंड नाइनटी नाइनटीज की स्टडी इसमें थोड़ा चेंज आया था तो कितनी मतलब सिस्टमैटिकली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर आप ये सारा वीडियो देखे अच्छे से नोट्स बनाओगे और जहाँ जहां करंट इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी वो इसमें डालोगे आपको कोई और रिसोर्स फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये बुक जो है ये काफ़ी सफिशेंट और वेल well फॉर्म्ड बुक है आपके एग्जाम के यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए न्यू एरियाज़ ऑफ़ विलेज स्टडीज़ उनको रिसेंट uh, क्या हुआ है नए नए एरियाज़ जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है ए एम शाह ने कहा था कि जो तो फर्स्ट मेजर वेव ऑफ़ विलेज स्टडीज़ नाइनटीन फिफ्टीज़ में हुई थी उसके बाद कोई बड़ी स्टडी नहीं हुई है लाइक ऑन द सब्जेक्ट्स लाइक हॉरिजेंटल ग्रुपिंग ऑफ कास्ट कि कास्ट में सिर्फ आप वर्टिकल इसकी बात करते हो डायमेंशन की लेकिन कास्ट के आपस में भी ग्रुपिंग्स हैं एक कास्ट के अंदर ही वेरियस ग्रुप्स हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही है मैरिजेस जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज टू इंडिया ठीक है वो सारे जो चीजें हैं आपने अभी एक्सप्लोर नहीं करी है सुरेंद्र एस जोधका ने क्या कहा कॉल्स फॉर अ रिफॉर्मेशन इन द अप्रोच ऑफ विलेज स्टडीज टू कीप पेस विद द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स अकॉर्डिंग टू हिम नए थियोटिकल कंसर्न एज जेंडर एंड इकोलॉजी इट शुड ऑल्सो बी कम्बाइंड विद द एग्जिस्टिंग प्री ऑक्यूपेशन ठीक टू दिस एंड ही सजेस्टेड न्यू अप्रोचेज सोशोलॉजिस्ट दैट शुड अंडरटेक वो अप्रोचेस क्या हैं कि अगर आप जाओ रेलवे प्लेटफॉर्म पर टेंट ही लगाओ वहीं रहो लोकल का थानाज में जाओ तालुका हेडकॉर्टर विजिट करो टेकिंग द यूजुअल अप्रोच ऑफ ऑफ स्टेइंग विद ओल्ड विलेज हेडमैन जो हाई कास्ट का होगा और आपको बताएगा कि विलेज कितना अच्छा चल रहा है वो सब नहीं करो जाके रियलिटी ऑब्जर्व करो टेंट्स लगाओ रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे बैठो तालुका ऑफिस जाओ थाना लोकल थाना जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाओ वहां से जो रियलिटी या रियल पिक्चर है वो लेके आओ मोर रिसेंटली यूके के इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च काउंसिल ने स्पॉन्सर किया था एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इंडियन विलेजेस की ट्रैक करने के लिए थ्री विलेजेस विच आर ओरिजिनली स्टडीड बाय बेली मेयर एंड अफ पोकॉक पो डी एफ पोकॉक डेविड एफ पोकॉक ठीक है उन्होंने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी अब इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करने को कहा लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है जब आप एक ही ग्रुप को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हो फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन में आपने स्टडी किया फिर आपने इसको 2000 में स्टडी किया फिर 2010 में स्टडी किया तो एक ही ग्रुप को आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टडी कर रहे हो तो इन्होंने कुछ विलेजेस को स्टडी किया था बाद में इसकी लॉन्गिट्यूड स्टडी करी थी दैट मींस इन ही विलेजेस को स्टडी किया होगा कुछ एक टाइम पीरियड के बाद सिमसन टीना एंड अदर्स कैरीड आउट द रिसर्च एंड ट्राई टू ट्रैक द चेंज इन कास्ट सिस्टम सेग्रीगेटेड जेंडर रोल जो है सोसाइटी में विलेजेस में और पॉपुलर रिलीजन वगैरह का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्हें स्टडी किया हाउ द ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ थ्री विलेजेस कंपेयर टू द लास्ट सिक्सटी और सो एंड वट रोल्स डू विलेजेस प्ले इन द लाइफ ऑफ कंटेप्रेरी इंडिया तो इन चीजों पर इन्होंने इन विजेस को ट्रैक किया था द रिसर्च नोटेड की जो टेक्नोलॉजी हैज़ मेड एज इम्पैक्ट ऑन द विजेस एंड दे आर नो लॉन्गर क्लोज इन आइसोलेटेड ठीक है तो अगर जैसे क्वेश्चन इस रिलेटेड आता है कि विलेजेस क्लोज हैं आइसोलेटेड है, है एंड में आप ये रिसेंट की जो स्टडी है लॉन्गिट्यूडल स्टडी कंडक्ट की गई थी उन विजेस में जहाँ पे इन तीन ने स्टडी किया था उसकी फाइंडिंग्स भी लिख सकते हो कि इसकी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग भी जो ये हैं विजेस हैं वो क्लोज नहीं है और आइसोलेटेड नहीं है और जो सोशल पोलिटिकल स्टेप्स लिए गए जैसे एफर्मेटिव एक्शन डेमोक्रेसी लोकल गवर्नेंस आपका पंचायती राज पब्लिक वर्कस वगैरह ठीक है पब्लिक यूटिलिटी के काम दे वर जस्ट टेकिंग ऑफ इन द दिन आर नाउ मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ दिजिबल इम्पैक्ट में शुरू हो रहे थे ये सारे काम और अब आपको ग्राउंड में इनका इंपैक्ट देखने को मिलेगा एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है दिस इज योर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से होता है फॉर एग्जाम्पल आपका रिजर्वेशन रिजर्वेशन में आप क्या कर रहे हो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो हाई क्लासेस को है ना उनकी लो क्लास के कंपैरिजन में उनको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हो लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है पॉजिटिव है क्योंकि उनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत आपसे बहुत ज्यादा है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कास्ट स्पेसिफिक एंड जेंडर रिजर्वेशन जो है हैज़ ऑफ इन्फ्लुएंस विद इन विलेजेस जो रिसर्चर्स ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट लैंड होल्डिंग्स है फ्रेगमेंटेड टू अन इकोनॉमिकल लेवल जिससे लैंड क्या हो गई है सस्टेनेबल जिससे सस्टेनेबल लिविंग इम्पॉसिबल हो गई है फॉर दी लैंड होल्डर्स ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ लैंड होल्डिंग्स को फ्रेगमेंट किया जाता है ताकि कि, किन चीजों की वजह से फ्रेगमेंट किया जाता है मोस्टली जब प्रॉपर्टी डिवीजन होती है फैमिली की अगर किसी एक के पास एक का नाल लैंड है तो उसको डिवाइड किया जाएगा सारे सिबलिंग्स में अब जो डिवीजन करके रह गया वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए जमीन के ठीक है तो उससे क्या होगा जितनी जमीन छोटी होगी उतना वो आ, आपको प्रोडक्टिविटी उसकी कम होगी ठीक है जैसे आपको फिर ट्रैक्टर्स यूज करने पड़ते हैं मैकेनाइजेशन करनी पड़ती है या इरिगेशन के काम करने पड़ते हैं आप जितना ही लो जमीन पे चाहे कितना भी आप इनपुट लगाओ प्रोडक्टिविटी वाइज वो इकोनॉमिकल उतना नहीं होगा एंड वो आपके एनवायरमेंट के लिए भी ठीक नहीं है तो आपके लिए सस्टेनेबल लिविंग वो प्रोवाइड नहीं करते हैं जो आपके छोटे छोटे अन इकोनॉमिकल लैंड है जो हुई है मोस्टली प्रॉपर्टी डिविजन की वजह से ठीक है तो ये सारी चेंजेस जो है विलेजेस में आ रही है गुजरात में जो विलेज है

कौन सा थिंकर किस आइडिया के साथ एसोसिएटेड है वो आप लिखोगे ठीक है यहाँ पे हम लेक्चर स्टॉप करते हैं आई गेस कल हमारा मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो रिकॉर्ड करने में एडिट करने में तो फिर मुझे आप बताएं कि आपको कैसे लगे मुझे अच्छा लगेगा आपके कॉमेंट्स पढ़ के आपके मेल्स पढ़ के मुझे अच्छा लगता है जब आंसर्स लिख के भेजते हैं वो भी काफ़ी अच्छा लगता है तो टाइम है आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे